everyone. In this video, I will cover how to make landing page with the help of Elementor. Last video में जैसा मैंने cover किया था landing page with the help of Elementor with the use of template. But इस video में मैं without template अपने according एक landing page बनाऊंगी but with the help of Elementor. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, तो ओशियन थीम होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एलिमेंटर. ओशियन थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और एलिमेंटर को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको जो भी ये डाउट्स हों इससे रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाए. सो लेट्स कंटिन्यू रिलेटेड टू द लैंडिंग पेज विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पेज, देन क्लिक एड न्यू. Give page name digital course. मैं एक landing page बना रही हूँ digital course के लिए, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर digital course एक नाम दिया. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि जैसे मैं digital course जैसे ही मैंने क्लिक करूँगी, अभी इसके अंदर मैंने कोई सेटिंग नहीं करी है, देन जैसे ही से मैं पब्लिश करती हूँ आप जैसे इस पे जाएंगे इस जगह पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा. अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे राइट साइड में मेनू बार आ रहा है, मुझे ऊपर टाइटल नेम आ रहा है, मुझे ये सब नहीं, मुझे पूरा पेज ब्लैंक चाहिए, ऊपर से ब्रेड क्रम भी आ रही है. तो WP जो WP थीम है उसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है, आप ये हेडर और फुटर बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. तो आपको क्या जाना है, जहाँ जिस पेज पर थे आप उसी पर यहाँ पर जाने के बाद मेन के अंदर सबसे पहले आपको इसमें हमें 100% और इसको हमें क्या करना था, डिसेबल, और देन आपको क्या करना है, अपडेट. जैसे ही आपका ये अपडेट हो जाएगा तो आपका ये जो पूरा पेज है एक तो 100% के हिसाब से दिखाई देगा, दूसरा हमारे पास क्या है, हम जिसमें जो भी चीज़ रिमूव करेंगे वो सारी पेज मेरे पास क्या हो जाएगी, विजिबिलिटी हो जाएगी. अब इसे क्लिक करना है हमें, ठीक है, हमारा पेज पूरा हो गया 100% के. अब बट यहाँ पे अभी भी ब्रेड क्रम आ रही है, टाइटल नेम आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है. तो मुझे फुटर भी नहीं चाहिए, टाइटल नेम भी नहीं चाहिए और मुझे ब्रेड क्रम, तो इसको भी मुझे रिमूव करना है क्योंकि मेरा जो लैंडिंग पेज पे जो मैं इसमें क्या करना दिखाना चाहती हूँ सिर्फ लैंडिंग पेज में वही, क्योंकि मुझे लैंडिंग पेज में कोई भी मेनू टैब नहीं चाहिए. तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से जाएंगे टाइटल, टाइटल में आपको करना है डिसेबल और आपको ब्रेड क्रम इसको भी करना है आपको डिसेबल. अपडेट करना है, आफ्टर अपडेट गो टू योर पेज, आपका ये भी पेज, ये पेज यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपका ब्रेड क्रम और टाइटल नेम भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अब मुझे यहाँ से अब आपको क्या करना है, फुटर, फुटर में भी क्या करना है, डिसेबल, इसे अपडेट करना है एंड आफ्टर दिस आपका फुटर भी रिमूव हो गया. हमने सबसे पहले यहाँ से क्या क्या करा था, मेन से गए थे, हमने 100% फुल विथ इसको डिसेबल कर दिया, हेडर, हेडर को भी आप क्या कर दो, डिसेबल, अपडेट. अब आपका जो हेडर है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अब आप देख सकते हो पूरा पेज मेरा क्या हो गया है, ब्लैंक हो गया है. इस पूरे अब मेरे ये पूरे का पूरा पेज क्या है, ब्लैंक है. अब इस पे मैं अपने अकॉर्डिंग अपने पेज को क्या कर सकती हूँ, लैंडिंग पेज को सेट कर सकते हैं. तो जब ये पूरा पेज ब्लैंक हो जाए अब आपको इसके पास जाना है एडिट विद एलिमेंटर. जैसे आप एलिमेंटर एडिट विद करोगे तो आपको एलिमेंटर का ये पूरा जो टूल है, ये प्लगइन जो आपके पास है, ये पूरा पेज विजिबल हो जाएगा और आप एलिमेंटर की हेल्प से एक अपना एक अच्छा बेटर लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेज क्या हो गया, ये विजिबल हो गया है. अब एलिमेंटर की हेल्प से हम अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ले रहे हैं हम हेडिंग, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है. तो आप लोगों को सब फर्स्ट लेना है एक हेडिंग, इसमें हेडिंग में जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मुझे इसे एक रिलेटेड एक लैंडिंग पेज बनाना है तो मुझे इसमें कुछ लिखना है, जैसे वॉन्ट टू ज्वाइन
अब इसकी हमें थोड़ी सेटिंग्स करनी है। इसमें से आपको थोड़ा ये लार्ज ले लिया हमने, या आप इसे एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो जो आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसको सेंटर, अब थोड़ा सा इसका मुझे साइज़ वगैरह थोड़ा चेंजेस करने हैं। तो आपको जाना है स्टाइल, यहाँ से टेक्स्ट कलर, अब आपको इसके अंदर जैसे ये कर लोगे, नेक्स्ट आपको वेट कितना रखना है इसका साइज, ठीक है, देन अब आपको इसके अंदर जितना आपको रखना हो ट्रांसफॉर्म, हमें सारे का सारा कर दिया हमने, अपर केस, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो स्टाइल इसका इटैलिक में देना चाहते हो इटैलिक में, डेकोरेशन आप देना चाहते हो लाइक जैसे अंडरलाइन या ओवरलाइन या लाइन थ्रू, या कुछ नहीं देना चाहते हो तो ना आपको नन करना है, लाइन वेट, ठीक है, जितना आप रखना चाहते हो। नेक्स्ट इसके अंदर लेटर स्पेसिंग, इस तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। देन एडवांस में जाना है, एडवांस में आपको मार्जिन कितना रखना है, ठीक है, इस तरीके से है। हमने पूरी को दे दिया 12। अब पैडिंग आपको रखनी है, ठीक है, हमने ऊपर जो बॉक्स की दिखाया था आपको पैडिंग, अगर मुझे और भी करनी हो, ठीक है, इस तरीके से आप ये मार्जिन की से पूरी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये पूरा करने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पूरी सेटिंग कर सकते हैं। आप पीछे जैसे कोई भी इमेजेस लगाना चाहते हो, कलर देना चाहते हो, इस तरीके से आप पूरी सेटिंग क्या कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने कुछ ले रखा है तो बैकग्राउंड जैसे इस पे जा रहे हैं, आ दिख रहा होगा आपको, माउस लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, माउस ओवर, इसको बोलते हैं माउस ओवर। जैसे आप इस पे लेके जा रहे हो तो आपको इसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज। तो आप और कोई जो भी कलर आपको चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसकी सारी सेटिंग क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने सारी सेटिंग करी है, बैकग्राउंड देना था तो हमने ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये बैकग्राउंड में आपको जो कलर देना था नॉर्मल में, अगर इसका हमने नॉर्मल कोई कलर जैसे आप देना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से, या कोई और कलर आप चूज़ करना चाहो, इनमें से कोई भी कलर आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हमें ये इसको हमने कर दिया। देन अब इसके अंदर है आपका होवर पर, जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई कलर आपको दूसरा देना है, अब इसको क्या कर दो आप, अपडेट। अभी देखते हैं हमारा पेज कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे से आप अपडेट करोगे आप यहाँ से, आपका ये इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे नेक्स्ट किसी उस पर दिखाऊंगी कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या जाना है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन विंडो, प्राइवेट विंडो पे हमने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा पेज इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्या है, मुझे इसके अंदर कुछ, अब इसके अंदर कुछ एक और कंटेंट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं एक चाहती हूँ कि बटन आए, ठीक है, जैसे बटन में मैं जैसे क्लिक हेयर या कोई फॉर्म लगाना चाहती हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमारे इस फॉर्म पे जाना है, जैसे हमने इतना पेज क्रिएट करने के बाद, अब हम मुझे इसके डैशबोर्ड पे, मतलब मुझे एक फॉर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, जब हमने WP ओसन थीम की थी तो हमारे पास WP एक प्लगइन था, आपके में भी आ चुका होगा ये, WP फॉर्म पे जाना है, यहाँ से एक फॉर्म क्रिएट करना है, एड न्यू, मैं एक फॉर्म का डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ से मैंने फॉर्म का लिया कोर्स, रजिस्टर, ठीक है। देन आपको ये यहाँ से करने के बाद कोर्स का नाम दे दिया हमने, एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट किया, देन
जैसे आप करोगे, अब यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है हमें, तो यहाँ से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको फील्ड्स लेनी है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए नेम, मैंने एक ये नेम ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, ठीक है। यहाँ से मुझे जो भी फॉर्म्स हैं सारे के सारे मुझे सिर्फ क्या करनी होगी, फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट मेरे को लेना है यहाँ से फ़ोन नंबर, तो नहीं फ़ोन नंबर लाइक जैसे मुझे लेनी है ईमेल, ठीक है यहाँ पे हो गया है। अगर मुझे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो आप, अगर आप जो चाहते हो, यहाँ से हमने डिलीट किया। अब मुझे इसमें से नेक्स्ट चाहिए ईमेल, ईमेल आ गया। नेक्स्ट मुझे यहाँ से क्रिएट करना है उन बच्चों का, मुझे नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक नंबर लिया। आफ्टर दिस मुझे जैसे यहाँ पे नेम, ईमेल, और मुझे अगर कुछ बच्चों को क्वेरी करना चाहता है इससे रिलेटेड, तो मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लिया। इस तरीके से हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब इसे यहाँ से क्या करना है हमें, इसका नाम कोर्स रजिस्ट्रेशन है, तो इसको सेव करना है आपको। एंड आफ्टर दिस, ठीक है, अब इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे लैंडिंग पेज पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया WP फॉर्म की हेल्प से। अब आपको अपने लैंडिंग पेज पे जाना है। यहाँ से पहले सबसे पहले क्या है कि कुछ मैं एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, तो मैं एक वीडियो टाइप में कुछ उनको ओवरव्यू दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक वीडियो के लिए यहाँ से क्या करना है, एक लिंक ले लेते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वीडियो के लिए लिंक लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है यहाँ पे, बट अब मैं वीडियो अपनी वाला कुछ एक डेमो देना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे को क्या करना है, अपना यूट्यूब वाला चैनल लेके, अपने यूट्यूब के एक जो भी आपका चैनल है वहाँ से एक वीडियो लिंक लो, ताकि आप उन्हें एक तरह से डेमो दे सको कि आप किस तरीके का कोर्स कराते हो इस तरीके से। तो जैसे मुझे यहाँ से क्या करना है, अपना एक लिंक शेयर, यहाँ से शेयर शेयर पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक कॉपी, उस लिंक को हमें कॉपी करना है। और कॉपी करके हमें अपने जो मेरा लैंडिंग पेज है यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो पेस्ट करना है। इसे कॉपी करा, देन अब मुझे कहाँ पे ये इस पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप करोगे आपकी वीडियो का खुद का यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। देन इसको मैंने क्या करा, अपडेट। अब मैं चाहूँ तो अपना पेज देख सकती हूँ किस तरीके से मेरा पेज लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरी वीडियो दिखाई दे रही है। सिर्फ मैं अपने, क्योंकि बेसिकली मुझे क्या है, वॉन्ट टू ज्वाइन फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लास, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से करा। अब क्या है कि मुझे यहाँ पे फॉर्म भी फिल करवाना है, तो फॉर्म फिल कराने के लिए यहाँ पे अपने फिर दोबारा अपने पेज पे जाओगे। अब अपना जहाँ पे आपका लैंडिंग पेज आप बना रहे थे उसी के अंदर, अब जैसे क्या है मेरे इतना पेज क्रिएट करने के बाद, अब मुझे अपना जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया था वो वाला फॉर्म मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगी। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, हमने जो फॉर्म का नाम हमें क्या करना होगा, अपने जो फॉर्म था हमारे पास ये आ गया, हमारा जैसे फॉर्म लिखा WP फॉर्म आ गया। जैसे WP फॉर्म आप पे इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, इस फॉर्म को जैसे आप लेते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही लोड होगा हमें अपने फॉर्म को सेलेक्ट करना है। हमारे फॉर्म का नाम क्या था, कोर्स रजिस्टर। अब इसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे कोर्स रजिस्टर वाला फॉर्म था वो देखो, जैसे आपको यहाँ पे शो होना लग जाएगा, ठीक है। आप इसे क्या कर दो, इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है, तो आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है कंटेंट इसका, ठीक है। आप इसकी एडवांस सेटिंग जैसे मार्जिन कितनी रखनी है इसकी, हमारे पास जैसे ऑलरेडी दिख रहा है जैसे आपको 1, ठीक है, मैंने इतनी रख दिया, और पैडिंग भी 1 रख दी है। आप इस तरीके जैसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपडेट। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो अपना फॉर्म किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये लैंडिंग पेज आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया है फॉर्म। और यहाँ से क्या है, मैंने बहुत सिंपल सा एक नॉर्मल एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मुझे क्या करना है कि मैं अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने वॉन्ट टू ज्वाइन फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लास एक तरह से टाइटल लिखा, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो मेरी वीडियो को देखेंगे, अगर उन्हें बेटर लग रही है तो वो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कोर्स आगे आगे अगर फ्री में मैं क्लासेस देना चाहती हूँ तो मैंने क्या उन बच्चों से फॉर्म इन्फॉर्मेशंस फिल करवाऊंगी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे सबमिट करेंगे तो ये वाली मेल जो बच्चे फॉर्म मेरे फिल करेंगे, ये कौन सी मेल आएगी मेरे पास, ये फॉर्म की जो मेल आएगी मेरे पास ये कौन सी वाली आएगी, ये जो हमारे पास WP के अंदर, WP के अंदर सेटिंग में, जब आपने ये जिसे डोमेन नेम खरीदा था जिस ईमेल आईडी से, तो आपके जैसे सेटिंग में जाओगे, आपके पास सेटिंग में
जनरल, यहाँ पे जो मेल आईडी होगी एडमिन की, ये उसमें जो भी इंफॉर्मेशन, यहाँ से जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस मेल आईडी के अंदर आपकी आएगी। अब आप देख सकते हो आपका लैंडिंग पेज बहुत नॉर्मल तरीके से, कितना मतलब बेटर कुछ भी हमने इतना वो नहीं किया है, सिर्फ एक छोटी सी हमने सेटिंग्स की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत सिंपल टास्क वे में हमने क्या करा हुआ है, एक लैंडिंग पेज को क्रिएट किया है। अब सिर्फ यहाँ पे लैंडिंग पेज, कोई मेन्यू टैब नहीं दिखाई दे रहा। वॉन्ट टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास, यहाँ पे आपका क्या है, आपकी वीडियो दिखाई दे रही है, देन आपको ये फॉर्म फिल दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसको फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है, हमने टेस्ट सबमिट, ठीक है, ये आपको मैसेज आ जाएगा। तो मैंने कोई कोडिंग नहीं की, विदाउट कोडिंग पूरा लैंडिंग पेज एक क्रिएट किया हुआ है। आई होप ये एक लैंडिंग पेज आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर आप और भी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप एक बटन दिखाना चाहते हैं या कुछ भी, इस तरीके से आप इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है इसमें आपके एलिमेंटर में, आप एक अच्छा बहुत ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो नीचे यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग आप ये कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप गूगल मैप लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, डिवाइडर आइकन, पोर्टफोलियो, लॉगिन स्लाइडर, ये सारी चीज़ें आप सारी सेटिंग इसके अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक बटन, लाइक, ये सारी चीज़ें आप पूरी सेटिंग इसके अंदर आप कर सकते हो। आई होप ये आपको बेसिक लैंडिंग पेज क्रिएट करना आ गया होगा। और जब मैं इस लैंडिंग पेज की एक बिल्कुल सीरीज लॉन्च करूँगी, उसमें और भी डेप्थ में कवर कराऊंगी, आई होप। बट ये लैंडिंग पेज आपको, नॉर्मल लैंडिंग पेज बनाना आपको आ गया होगा, प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना आ जाए। ये बहुत बेसिक लैंडिंग पेज बनाया है, और एक हम न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे जो बिल्कुल आपकी लैंडिंग पेज से रिलेटेड होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।